मरकज हयात दरवाजा सैयदा है, जो इस दरवाजे पर है वो जिंदा है, जो इस दरवाजे से हट गया वो मर गया। हमारा जाने वाला जाता जरूर है मगर लौटता नहीं, और वो भी जाने वाला वो हो जिसने जिंदगी भर जिक्र हुसैन किया हो, जाने वाला वो जिसने जिंदगी भर जिक्र रसूल आले रसूल किया हो और लोगों को बताया हो कि इनका जिक्र क्या है, अहले बैत का जिक्र कर करके लोगों को रुलाया भी हो हंसाया भी हो, उसके मरने का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। हमारे सामने इस वक्त मास्टर मोहम्मद मौसा साहब नहीं है, बाबू ये दुनिया से चले गए, मगर कोई ये ना समझे कि वो मर गए, बल्कि उनकी आवाज जिंदा है, उनकी खिदमत जिंदा है, उनका किरदार जिंदा है, उनका कलीदा जिंदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां आगे वक्त आपका नजर भी आ रहा है। ये मस्जिद आदि का कारवां इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, और ये सिलसिला कामयाब कयामत, इसलिए कि जब तक हम हैं जिक्र हुसैन करते रहे, कोई इस मदद फहमी में मुबतला ना हो कि जिक्र हुसैन हमारी वजह से है, हम जिक्र हुसैन की वजह से जिंदा है, सत्य में हमारा वजूद है वरना किसी का कोई वजूद नहीं, कोई काबिल जिक्र नहीं है अगर ये जिक्र ना हो और ये तस्करा हो। आज हम अगर जिंदा है तो और हमारा जाने वाला इतना जिंदा होता है कि कब्र पर लेटा के कहा जाता है सुन भी ले समझ भी ले, जब सुन कर लिया तो समझ कहने की जरूरत क्या है। असल में बताया ये जा रहा है कि जिनकी मोहब्बत में ये मरा है उनकी मोहब्बत को मरने के बाद सिर्फ समाज की बहाल नहीं हुई, समझने की सलाहियत भी बढ़ गई, समझ गई ये सुनने के बाद समझने की ताकीद क्यों है, सुनने के बाद समझने की ताकीद इसलिए भी है ताकि जमाना ये समझ ले कि खाली सुन लेने का नाम इस्लाम नहीं है, समझने का नाम इस्लाम है, समझने का नाम इस्लाम है और करने का नाम इस्लाम है, फिक्र करने का नाम इस्लाम है। और चूंकि आप आलिमा मजमा मेरे सामने है उनको मैं इसकी ताजियत अंदाज से कि कुरान की सबसे बड़ी दावत ही दावत के फिक्र है। अफला का तदब्बुर क्या तदब्बुर नहीं करते हो, अफला तअक्लून क्या आप इसे काम नहीं लेते हो, दीवानगी का नाम शियत नहीं है, फसादगी का नाम शियत है। पागलों का तो नमाज वाजिब है ना रोजा वाजिब है, हिसाब आयात में आप लोगों के मुताबिक होगा, इसमें कितनी अंक है उसके मुताबिक उस पर भी नाम होगा, जो साहिब अकल है उसी पर नमाज वाजिब है उसी पर रोजा वाजिब है। और हमारे यहाँ सूर काफी में किताब का पूरा चैप्टर मौजूद है जहां बताया ही ये गया है कि आप वहां तलाश न करना जहां अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, अकल तो है ही वहां जहां अहले मोहब्बत की मोहब्बत है, वही अकल अकल होगी तभी तो इस दरवाजे को आएगा, और इस दरवाजे कोई दीवाना भी दीवाना नहीं होता, वो रोले दाना होता है। इनके दरवाजे पर आने वाला कोई दीवाना भी दीवाना नहीं होता, वो रोले दाना होता। कोई आवाजें आ रही है किसी को कुछ कह दिया जाए और किसी को कुछ बना दिया जाए, मैं तो सिर्फ दस्ते तक जोड़ के ये कह रहा हूं कि हम दीवाना बहुत और हो जाए और ना कोई वक्त का हुसैन हो सकता है ना वक्त का पास हो सकता है, बेशक इसलिए कि माफ कीजिएगा हुसैन का चौदह में भी एक ही है, बेशक जरूरत है, करने की जरूरत है।
काजी मुल्ला चौधरी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़िए कि क्या है जो इन्होंने बताया है वही सीयत है। मैं सिर्फ एक पैगाम नौजवानों के लिए जुमले में यहाँ देना चाहता हूँ और वो ये कि मौलवी के शिया न बनिए, मौला के शिया बनिए। सही नहीं, सही नहीं है बल्कि सही की हर बात सही नहीं है। हर सियाह वर्ग तारीफ नहीं होता, हर सियाह वर्ग तारीफ नहीं होता। बड़ी खुशी मैया और बनी अब्बास के जमाने में तारीफ नदी सी नहीं तारीफ साजी हुई है। तारीफ लिखना और है, तारीफ बनाना और है। मैं आपको इन नजात की किताबों के नाम बताऊं तो नौजवान आगे
कर रहे हैं, हम कहां से पढ़े। आइए मैं आपको सरकारी शहीद सालिस की किताब का नाम बता देता हूँ, आप उर्दू तर्जुमा की मौजूद है। मजालिसुल मोमिनीन पढ़ लीजिए, मजालिसुल मोमिनीन पढ़ने के शहीद सालिस का अकीदा क्या है। हमें नैक के माननी से कोई ताल्लुक नहीं। शहीद सालिस ने क्या कहा हमको ये देखे,
जालिम हुक्मरानों की निगाह है सैयद सज्जाद की तरफ है और वो सैयद सज्जाद का नजर रखे हुए हैं कि कोई इंकलाब ना आ जाए। मोहम्मद हफिया सबका सिपर हो गए, जब तक चचा मौजूद है भतीजे बाहर नहीं आएगा। वो भतीजे की सिपर बन के सामने आए और दुश्मन को ये पहचान भी ना दिया कि हुसैन का नायब ये है कि ये है। पांच के
का वो लाड़ला बेटा जिसका नाम ही कुरान ने सैयद बताया था, और कुरान से तफावुल के बाद नाम रखा गया था। बड़े आदमी का फासिल है इसका जिक्र फिर कभी तो लदना और इमाम का दावा है। वो आज कोई फिरता ऐसा है जो नहीं इमाम मानता है, सैयदिया फिरते का नाम सुनो, सैयदिया फिरता ईरान में आ रहा है, सैयदिया फिरता के नाम से जी जी जो वो इमाम मानता है। फिर उन्होंने तो समझाया चाहे मोहम्मद हनफिया हो या ना, तो शेख उसका उन्हें समझाया कि अभी नाम नहीं नाम ये है, आगे तो कभी मानने वाले की है। मगर एक बात रस कर दो मैं आपकी खिदमत में, अगर इसी वजह से आप एतराज करते हैं कि लोग उन्हें ना मानते हैं तो माफ कीजिएगा, एक फिरने ने अली को खुदा मान लिया, अब आप क्या कहेंगे इस मालूम पर कि नुसैरी को खुदा मान रहे हैं, नुसैरियों ने अली को खुदा माना क्यों? कब माना इसलिए चूंकि अली ने जलवाए खुदा देखा। सरकारी बहन से ज्यादा कोई नहीं जानता, उन्होंने फार्मूले बताए, उन्होंने बताया कि जो गलत रवायत है दुश्मनी रवायत है, और हजरत मुख्तार के लिए अल्लाह अकबर इतना बड़ा मरतबा है हजरत मुख्तार का, शेख मुफीद अलैहिर रहमान ऐसा आलिम जिसे जमाने के इमाम ने अपना भाई कहा, अल्लाह अकबर की जिम्मेदारी के साथ बोलो बेशक बेशक अपना भाई का अस्सलाम अलैका अय्युहल अखी सदीक फल मौलर रशीद अल मुफी मुतफाहत है जिसे इमाम ने अपना भाई कहा, और जरा सोचिए कितना मतलब होगा शेर मुफी का, इमाम जमाने पर अपना भाई कहा, उन शेर मुफी की किताब पढ़िए किताब मजा उसमें है ज्यादा, उन शेर मुफीद ने हजरत मुख्तार की ज्यारत लिखी है, जरा सोचिए कि कितना बड़ा मर्तबा है और क्या मुसीबत है हजरत मुख्तार के खिलाफ बोलने वाले, जरा कभी सोच तो लिया करें कि बोल किसके खिलाफ है। एक बात बताइए, अभी मैं साहिब सुलेमान सलमान क्या कासमी साहब के क्या नाम है सुलेमान कासमी साहब माफ कीजिएगा जहन कोई करा मान नहीं था, वो शहीद हुए मानी उनके सारे सवाल को मेरे सुपुर्द कुछ हुआ, अगर कोई उस जनरल के लिए गलत बोलने लगे और शक करने लगे ऐसा लगता है कि इसका आईएसआई से इसका कोई ताल्लुक जरूर है, ऐसा जैसा ऐसा लगता है कि इसका आईएसआई से इसका रिश्ता जरूर है जो ये इस मुजाहिद के लिए बोल रहा है। अल्लाह नहीं पहुंचे माफ कीजिएगा, नहीं मैं पहुंचा नहीं पाया माफ कीजिएगा, सुभान अल्लाह। अगर कोई उस जनरल के लिए जो शहीद हुआ मुख्तार के लिए खिलाफ बोले तो ऐसा लगता है जैसे बगदादियों के एजेंट है, बगदादी का रिश्तेदार है, बस इसी कुलिये को ला के रखिए जो जनाब मुख्तार के खिलाफ बोले ऐसा लगता है खुदा का रिश्तेदार है। बेशक बेशक मास्टर साहब के सारे सवाल के लिए अच्छी से सही सलावत हसन हसीयत परवाज में बुला पाओ दीजिए। और फिर इल्म ए निजाम की किताबें पढ़ के फिर जिम्मेदारी के साथ खतरा पकड़ा उन्होंने लिखा इल्म ए निजाम के उसको बड़ा वाली पे करें कि मेरे छके सरकार ने फरमाया दाम तस्कुन मुख्तार खबरदार मुख्तार को बुला तो हमारा मसीह है जब छठे इमाम कह रहे कि मुख्तार के लिए गलत बयानी से काम न लेना बुरा न कहना तो अब जो भी बुरा कहे वो छठे इमाम के खिलाफ जा रहा है।
और जो ईमान के खिलाफ जाए उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो किसी भी लिबास में हो, चाहे वो किसी भी लिबास में हो। इसलिए कि हमने लिबास का कलमा नहीं पढ़ा, मोहम्मद ने उस सलाम पर हमने की मोहब्बत में बात इसलिए कि वो मरहूम एक खास साथ हम लोगों का
सीधे हुसैन में पढ़ते थे तो डूब के पढ़ते थे, सुनते थे तो वहां डूब के सुनते थे। कुछ लोग वो होते हैं जो सुनाते तो बहुत अच्छा है, सुनाते तो बहुत अच्छा है मगर बहुत अच्छे शामिल नहीं हो पाते। मरहूम का सबसे बड़ा हादसा ये था कि जितने अच्छे जाकिर थे उससे ज्यादा अच्छे शामिल थे, और अपने छोटों की हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं करते थे। इसलिए कि किसी बखील का जाकिर होता तो शायद ये जज्बा आ भी जाता, वो सखी बने सखी के जाकिर थे, जो खोल के दाँत देते थे, जो खोल के होते थे, बर्जस्ता सुनते थे और बर्जस्ता सुनाते थे। आज जैसे आजाद खाने में दाखिल हुआ हूं, निगाह आजाद खाना तो वही है, वही रखा है, तख्त बिछा है, सब है, एक रोटिया और नाना सलाह करके वो नहीं जमा है, मगर मुझे सबसे ज्यादा दुआएं जिस शख्सियत की हासिल थी आज निगाहें हो रही है बोल रही, ये हमारे निगाहों की कोताही है कि तो नजर नहीं आ रहा है, वरना यकीन कीजिए कि इसी मजलिस में कहीं ना कहीं बैठे हुए जब कभी इस इलाके में आना था घास लेकर उठा रहा सी
मन में पिछले मुझे याद आता बाबू जी को मुझे पसंद दिया और जो महाराणा मुझे वैसे भी अदा की मगर आए सहरा कर रही आए मुझे सुंदर कर पता मैं सुबह करने का अवसर ने बुलंदी पर खड़े होकर कहा अब पास मर गए ये बताइए सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ है।